वेलकम बैक टू माय चैनल विच सेज गेट क्वर्की विद मी। सो आज है न्यू ईयर का पहला दिन, यानी कि आज है 1 जनवरी और आज मंडे भी है। थिंक ऑफ इट, अपना नया साल किस दिन से शुरू हुआ है। मतलब आज ना कोई बहाना नहीं मार सकता कि मंडे से करूंगा या नए साल से करूंगा। नए साल और मंडे दोनों एक ही दिन है। अविश हैप्पी न्यू ईयर सबको, थैंक यू बोल दो जिसने जेन्युइनली सब्सक्राइब कर किया, आपने लाइक किया हमारे वीडियोस को, शेयर किया। सॉरी जो 2023 में पहले मुझे बोला ना बोलने के लिए, तुम खुद ही बोलने लग गए तुम। तो जिसने 2023 में हमें सब्सक्राइब किया, हमें लाइक करते हैं, हमारा रेगुलर हमारा ब्लॉग देखते हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कंटिन्यू करें, 2024 में भी हम लोग बहुत अच्छे नए नए कंटेंट लेके आएंगे। हम लोग अभी ना हमने अपनी ट्रिप प्लान करना चालू कर दी है, तो अभी हमने 2024 दिसंबर की ट्रिप प्लान करी है। पीछे से चल रहे हैं, तो पहले दिसंबर 2024 की ट्रिप प्लान हो गई है। अप्रैल में हम लोग जाएंगे, फिर ऐसे करके 3-4 ट्रिप तक साल भी मारने की पूरी पूरी प्लानिंग है। और हमने कल जब नूडल्स एंड ऑल खाए थे तो उमंग अपने बैक टू पवेलियन आ चुके हैं, या आंटी टू कुक खिचड़ी फॉर हिम। और मैं भी ब्रेकफास्ट में रोटियां खाऊंगी आज, बिकॉज कल काफ़ी नूडल्स एंड ऑल हो गया था। सो यस आंटी मेरे लिए खिचड़ी बना बना के परेशान है आंटी। अच्छा एक सेकेंड, मेरी वीडियोस जब कोई देखता है ना तो बार बार सब बोलते हैं क्या कि मैं बाहर का खाना खाती हूँ। आप बताओ आप मेरे लिए अक्सर करके क्या बनाते हो? खिचड़ी बनाती हूँ। आंटी परेशान हो जाती है, आपको कुछ है क्या प्रॉब्लम है क्योंकि बाहर का खाते हैं तो कॉम्पेंसेट करते हैं हम घर पे। सुन लो आंटी बनाने वाली है मेरे लिए तो खाने में क्या खिचड़ी। आप लोगों को बेसिकली बताती हूँ कि मैंने क्या प्लान किया था, कि जब 15 दिन के ट्रिप से हम लोग वापस आए थे तो हमने हर दिन बाहर ही खाया। सो वो कॉम्पेंसेट करने के लिए, अपने पेट के लिए, मैंने लगातार सुबह दोपहर में तो जम के हर एक दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी खाई है। रात में फिर कभी बार बार बाहर खाना खाने का हो जा रहा था तो फिर बाहर चले जा रहे थे, लेकिन दिन में एक भी बार मैं खिचड़ी स्किप करती ही नहीं हूँ। सो मुझे यही लगा, क्योंकि आई एम अ बिग टाइम फूडी और मेरे लिए खाना देख के अवॉइड करना इट्स अ बिग टास्क। हालांकि इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट मुझे यही एक इजी वे आउट लगा थोड़ा सा अपने टमी को रिलैक्स करने के लिए। आंटी को तो बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, बट आई टोल्ड हर कि ये एक मेरा वे है थोड़ा सा अपने पेट को रिलैक्स करने का। सो यस फाइनली वी आर गोइंग समवेयर। कहाँ चल रहे हैं हम लोग? हम लोग मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं और क्या करेंगे? बड़ा पाव, बड़ा बड़ा पाव। पहली बार मैं इंदौर में बड़ा पाव खाऊंगी, फर्स्ट टाइम ना, इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया यहाँ पे बड़ा पाव। नहीं खाया मतलब कभी नहीं खाया का मतलब झूठ जाएगा। सो यस और अभी हमारी ऐसे चिल चुल वाली बात चल रही थी तो उमंग ने बहुत ही फनी वे में बोला कि 2023 के बारे में क्या बोला। हाँ उमंग ने क्लॉक उतारी तो मैंने बोला ऐसे क्लॉक उतार रहे हो तो कभी छिपकली बैठी हो पीछे तो कितना मजा आएगा, समय खराब हो जाएगा। उमंग वॉज लाइक कि खराब ही था एंड ही लाफ्ड इन अ जोकिंग वे ही से। बट मैंने एक बहुत प्यारी बात बोली, क्या बोली? चलो जो सिखाया था बेटा वो बोलो, 10 मार्क्स मिल गए। ओह माय गॉड कम से ना, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग यार, प्लीज प्लीज प्लीज। He's ignoring me. टीचर फिर मारे भी आपको, कोई बोल नहीं देगी मार्क्स। कि अगर 23 खराब नहीं होता 24 में स्ट्रांग कैसे होते? नहीं आई सेड अगर 2023 में जो भी चीजें हुई अगर वो नहीं होती तो 2024 में आप उसको रेक्टिफाई कैसे कर पाते हैं, उस चीज को कैसे मतलब वो कर पाते हैं। और ये सब लोगों के ऊपर लागू होती है। देखो इसीलिए मैंने अपने कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को यही चीज बोली है कि मैं नहीं कर्ज करती, जो भी अच्छा बुरा हुआ कहीं ना कहीं वो लर्निंग ही थी। तो वो बुरा तब होगा जब उससे भी सीख के आप कुछ ना कर पाओ, और अच्छा तब होगा जब उससे सीख के आप उस चीज में अपने अंदर बदलाव लाए। चलो हैप्पी गो शैपी। अरे हाँ 9 मार्क्स ही मिलेंगे उमंग को, क्योंकि उमंग ने 2 मिनट्स लिए ये आंसर देने। सीट बेल्ट लगाओ। यस एंड हियर वी आर एट जेएनडी वड़ा पाव।
कभी खाया भी है? This is the first time you are trying. दो बटर वड़ा पाव. ओके, तो हम यहाँ से खाने वाले थे वड़ा पाव. First time we are going to try लॉली वड़ा पाव. ओके. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बिल्कुल भी वड़ा पाव जैसे वड़ा पाव नहीं लग रहा है. गाइस, हमने जो वड़ा पाव खाया है यहाँ पे और दाबेली खाई, तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया हमारा. लास्ट टाइम मैंने ना यही से खरीदी थी जेएमडी से ही. हाँ, तूने अच्छी बनाई थी. लोग क्या ही ले गया था, मैं बहुत मैंने याशिका ने हम लोगों ने पैक ही करवाए थे और हम ले गए थे और वहाँ पे टेस्ट वाज टेस्टिंग गुड. बिल्कुल मजा नहीं आया मुझे. कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं आया. डिसअपॉइंटेड. हाँ, ऊपर से ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ जूस वूस दे दे कि ये टेस्ट जाए, जैसे लग रहा सर पे चढ़ रहा है धीरे धीरे ये. और साल का पहला दिन और हम आ गए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए. और ये भाई साहब, इतनी भीड़ है आज, गजब की. ओ भाई, पूछो मत. अब ये जगह है जहाँ पे अक्सर मैं काफ्स को खिलाती हूँ, गाय के बच्चों को, यानी कि बछड़ों को. पीछे आप देख सकते हो एक गाय खड़ी हुई है जिसको लोग फीड कर रहे हैं. मैं आऊँगी इसकी ऊँची पाए के पास खेलने. चलो चलते हैं. अब उमंग किधर गए? ऑल आई विश की आज शांतिपूर्वक दर्शन हो जाए बस किसी तरह से. गाय के बच्चे थे वो मुझे लग रहे बड़े बड़े से हो गए हैं, थोड़े बच्चे तो एक भी नहीं दिख रहे हैं बछड़े. चलो बाहर खड़ी है. हाँ, वो उतनी भी छोटी नहीं है, लेकिन हाँ चलो छोटी है, खेलेगी नहीं ना वो. चलो कोई नहीं, चलो दर्शन करते हैं माता रानी के, शिव जी के. और हाँ, नए साल की शुरुआत ऐसे करते हैं. ये हमारे घर के बहुत ही करीब है. सो हमारे दर्शन हो गए और बहुत अच्छे से हो गए. हम थोड़ी देर इस मंदिर के गार्डन में बैठे हुए थे जहाँ पे लिखा था कि लड़के और लड़कियाँ क्या एक साथ ना बैठे, नहीं तो पुलिस में दे दिया जाएगा. हाँ ठीक है. नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं है. और उसी बोर्ड के जस्ट नीचे एक कपल ही होंगे जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था एक दूसरे के लिए, वो बैठे थे. और एक ही नहीं थे, भाई बहन तो नहीं बैठेंगे. और इतने ज्यादा वो कोजी होके बैठे हुए थे. और वहाँ पे दो तीन कपल्स और थे. मतलब जेन्युइनली समझ में नहीं आता इन लोग को सेंस नहीं है, तमीज नहीं है या क्या नहीं है. मतलब फ्रॉम ऑल द प्लेसेस दे चोज दिस प्लेस और यहाँ आए. मतलब मेरे को तो इतना खराब लगा जेन्युइनली यार. चाहे निब्बे हो चाहे निब्बिया हो, इतना तो सेंस सबको होता है कि मंदिर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. निब्बे हो या निब्बिया नहीं, निब्बे निब्बे ही होते हैं लोग. हाँ, जो भी मतलब कुछ तो यार तुम लोग. ठीक है चलो, कोई बात नहीं, नए साल में ये भी देख लिया. देखो कुछ भी बनो बट कैरेक्टर अपना थोड़ा सा अपलिफ्ट करके चलना चाहिए लाइफ में. इतना सा आज का ज्ञान मैं देना चाहूंगी. जय माता की, जय माता की. तो येट अगेन वी आर एट टॉप एंड टाउन. येट अगेन इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज लास्ट टाइम आई डिडंट कैप्चर, बट यस वी केम ओवर हियर बिफोर ऑल्सो. सो नाउ वी आर हियर टू हैव समथिंग इन बेवरेजेस एंड आई हैव ऑर्डर्ड आइसक्रीम सोडास. क्यों? क्योंकि वो वड़ा पाव इज लिटरली ट्रबलिंग माई टेस्ट ऑर्डर. मेरे को बहुत ही गंदा लग रहा है अभी. After having that, what is this fresh fruit guava masala? Bhai sir, try anything in Top and Town but not ice cream soda. This is the disastrous fusion I tried. मैंने order किया, क्या order किया? KitKat चाहिए. और जो मैंने order किया वो भूल से भी Top and Town जाइए तो मत order करिए. मैं बड़ी excited होगी for this fusion ice cream soda. और मैंने order किया और अब मुझे पता चल रहा है आज की मेरी शाम ही कुछ अलग जा रही है. मुझे कुछ भी ना खाना चाहिए ना पीना चाहिए. और अगर खाना पीना भी चाहिए तो आई शुड अवॉइड टेकिंग द कॉल कि मुझे क्या खाना चाहिए. मुझे छोड़ देना चाहिए कि ये बंदा जो भी खिला पिला दे. लेकिन अब तो समय निकल चुका है, जज्बात निकल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं. क्या ही कर सकते हैं. क्या कर रहे हो, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको अच्छा मिला है? बहुत मीठा है यार. अरे यार दुख था वो 0.5% हो गया क्योंकि उमंग का ये जो चॉकलेट सिरप है
किटकैट सिरप वो मेरे से भी ज़्यादा डिज़ास्ट्रस था, है आई मीन इतना ज़्यादा मीठा, इतना ज़्यादा मीठा ऐसा लग रहा है चाशनी. सो आई एम हैप्पी दैट यू गॉट वर्स्ट दैन मी. मैं सोच रही थी मेरा ही ख़राब है दिन. वो मन कर तो पीने के बाद लग रहा है कि ऐसा लगा था, ऐसा लग रहा है मुझे टॉप इन टाउन का कोई कर्जा रह गया होगा. हम लोग का पिछले जन्म का तो टॉप इन टाउन आज वो कर्जा उतर गया. सो गाइस घर आ गए हैं और रास्ते में हम वॉक करने के लिए गए थे और आज हमें फिर से हमारा वो डॉगी नहीं मिला, बट इट्स ओके. हम डेली अपना बिस्किट कैरी करके लेके जा ही रहे हैं. सो यस, अब मैं जा रही हूँ सोने, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. और अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस एज मच एज यू कैन. इन दैट वे यू आर गोइंग टू हेल्प मी टू ग्रो. टिल देन गुड नाइट, बाय.